खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदी से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अल्लामा इकबाल की ये पंक्तियां राजवीर पर सटीक बैठता है। तस्वीर में जिसे आप नारियल काटते हुए देख रहे हैं, यह फुटकर व्यापारी राजवीर है जिसने बेहद कम लागत से अपना खुद का काम स्टार्ट किया और आज कम समय में अच्छी आमदनी कर रहे हैं। इन दिनों कोरोना के नए वेरिएंट से जरूर आपको लॉकडाउन की याद आ गई होगी। पहले लॉकडाउन में कई लोगों की नौकरी छीन गई, कई लोगों को रोजी रोटी के लिए बहुत ही जद्दोजहद करना पड़ा। लॉकडाउन का असर राजवीर के काम पर भी पड़ा। पहले जो वो मार्केटिंग का काम करते थे वह भी बंद हो गया है, जिसकी वजह से परिवार का भरण पोषण मुश्किल हो रहा था। राजवीर ने बताया कि पहले लॉकडाउन के दौरान उन्होंने बेहद कम लागत से इस व्यापार की शुरुआत की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नारियल पानी बेचने के व्यापार के बारे में। शुरुआती दिनों में केवल 1500 रुपए लागत लगाकर नारियल पानी बेचने का काम शुरू किया था। नारियल पानी बेचने के बारे में जब उन्होंने सोचा तो उन्हें डर भी लग रहा था कि नारियल वे काट पाएंगे कि नहीं काट पाएंगे, लेकिन कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, और ऐसा ही कुछ राजवीर के साथ हुआ। राजवीर के व्यवहार को लोगों ने खूब पसंद किया और लोग उनकी ठेले पर नारियल पानी पीने आते गए। शुरुआत में 200 से 400 रुपए तक प्रतिदिन आमदनी होती थी, लेकिन राजवीर ने कभी मेहनत करने से भी पीछे नहीं हटे, लिहाजा अब लगभग हर दिन 1200 रुपए तक की आमदनी संपूर्ण खर्च काटकर हो जाती है। राजवीर की कहानी उन युवाओं के लिए है जो इस नए साल में खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं, लेकिन पैसे उनके पास ज़्यादा नहीं है। यानी कम लागत में जैसे राजवीर ने मात्र 1500 रुपए में नारियल पानी बेचने का काम शुरू किया था, ऐसा युवा भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। अपने काम और अब तक की जिंदगी को लेकर राजवीर ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। ये है तेलीबांधा मरीन ड्राइव, गुरुद्वारे के ठीक अपोजिट मरीन तालाब के सामने मैं नारियल का दुकान लगाता हूँ। ये देखा जाए तो सर, नारियल पानी मैं लॉकडाउन जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था उस टाइम से लगाना शुरू किया। उसके पहले मैं अदर काम कर रहा था और कामों बंद हो जाने की वजह से मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं फैमिली मेंटेन नहीं कर पा रहा था, तो मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा, मैं करूँ क्या करूँ क्या करूँ करके। तो हालाँकि मुझे डर लग रहा था कि मैं नारियल काट पाऊंगा कि नहीं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि इसी चीज़ को करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम कोई लोग ये चीज़ को बेच नहीं रहे थे। तो मैंने इस काम में हाथ डाला और पूंजी मेरे पास बहुत ही कम थे, तो मैं सिर्फ 1500 रुपए में ये काम शुरू किया। और काम शुरू किया तो लोगों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, मेरा साथ दिए और मेरे व्यवहार को देखते हुए मेरे पास आना शुरू किया। और मैं ये काम शुरू जब कर दिया तो स्टार्टिंग में बेचते शुरुआत में 200-400 रुपए बचते थे। मैं मेहनत करता गया और आज भी मैं वही काम कर रहा हूँ सर। और आज की कंडीशन देखा जाए तो यहाँ से आसानी से मैं 1000 से 1200 रुपये रोज़ का कमा लेता हूँ, और साथ में लोगों का प्यार भी मिलता है, बुज़ुर्गों की दुआएं भी मिलती है, जिससे मुझे और हौसला मिलता है। जैसे देखा जाए सर, लॉकडाउन से देखा जाए तो 2020 लास्ट में और आज ये 23 चल रहा है, समझ लीजिए कि समथिंग 4 साल होने को आ गए हैं और तब से मैं कर रहा हूँ। स्टार्ट मैंने देखा कुछ लोग बेच रहे थे और उनका कटिंग स्किल देखता था तो मुझे डर लगता था कि शायद मैं ऐसा कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मुझे एक दोस्त का कहना याद आया कि कर खुदी को बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो मैंने अपने आप को बुलंद किया और काम शुरू किया और मुझे आज तक ज़रा सा भी खरोच नहीं आया और मैं इस काम को करना शुरू किया और आज बेहतरीन तरीके से मैं कर लेता हूँ। और आगे भी प्रोसेस है, मैं इसके साथ और जूस का भी काम करूँगा, बाकी अभी मैं फ़िलहाल नारियल का ही काम कर रहा हूँ। धन्यवाद। अभी आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं? मेरे फैमिली में मेरी भाभी हैं और भैया नहीं हैं, डेथ कर चुके हैं, और मेरे मतलब कि मम्मी है, बब्बा है, दो भतीजी हैं। सब यहीं रहते हैं? वो सब मतलब गांव में रहते हैं, मैं यहाँ से काम करके उनका खर्च चलाता हूँ। जी सर। पढ़ाई लिखाई वगैरह आपकी कहाँ? पढ़ाई लिखाई देखा जाए सर, मैंने सिर्फ 12वीं पास की है और घर के हालात को देखते हुए मैं फिर काम करने निकल गया और नौकरी भी किया और लॉकडाउन से फिर ये काम कर रहा हूँ।